Assalamu alaikum to all of you. Today my topic is moral story and I hope you listen carefully. एक लड़की होती है, उसकी जब शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल में चली जाती है। वहां पर वो सोचती है कि मैं इस घर की मालकिन बन जाऊं, यानी कि इस घर के जितने भी चाबियां हैं, खजाना है, जो कुछ भी है वो मेरे सर हो जाए। इस घर का जो भी चार्ज है उसकी मालिक मैं बनूं। उसकी सासू माँ जो होती है वो इन बातों पर सेटिस्फाइड नहीं होती। वो कहती है कि अभी मैं इस घर में हूँ तो ये चार्ज सारा मेरे पास हो, बहू अभी आई है तो इसको इस चार्ज के संभालने का कोई हक नहीं है। तो इसी पर सास बहू के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बहू सास को मार डालने की बहुत सी साजिशें करती है, कभी उसके खाने में जहर डाल देना, कभी कोई लाइट लगा के उसको करंट लगाने का वो बना लेना कि सासू माँ कहीं तरीके से मर जाए और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊँ, इस घर का चार्ज मेरे पास आ जाए। वो हर मुमकिन कोशिश करती है लेकिन हर जगह नाकाम रह जाती है, उसकी सासू माँ उसके सामने से हटती नहीं है। तो एक दिन अपने गांव में एक फकीर के पास चली जाती है, उसे जाकर पूछती है कि मैं ये चाहती हूँ मैं अपने घर की मालकिन बन जाऊँ, लेकिन मेरी सासू माँ इस बात को मानने में तैयार नहीं होती। वो कहती है कि नहीं, मैं मालकिन रहूँगी, तो बहू है तो बहू बनकर रहे, तो मैं क्या करूँगी। फकीर उसे कहता है कि आपके घर के साथ कहीं एक जगह शेर रह रहा है, आपने उसको खाना खिलाना है और उसके सर से हाथ फेरना है, यानी कि खाना खिलाकर उसके सर से हाथ फेरना है तो फिर मेरे पास आ जाना है। तो बहू ऐसा ही करती है, वो एक दिन खाना लेकर जाती है और उसके जो शेर का जो घर होता है उसके बाहर रख देती है, तो शेर खुद आकर खाना खा लेता है। दूसरे दिन इसी तरह उसके घर के दरवाजे पर रख देती है। ऐसे ही जाते जाते एक दिन वो उसके साथ जाके खाना रखती है तो वो खाना खाता है, तो वो बहू उसके सर से हाथ फेर लेती है, तो फिर कहती है जाके कि ऐ फकीर, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई, मैंने तो उस शेर को खाना खिला दिया, उसके सर से हाथ भी फेर लिया, लेकिन अब भी मैं इस घर की मालकिन नहीं बन सकती। तो वो फकीर उसे क्या कहता है, वो कहता है कि अगर एक जंगल का बादशाह है, सबसे खतरनाक शेर है, अगर आप उसको इखलाक से, इत्तेफाक से इतना कुछ कर सकते हो, उसके सर से हाथ फेर सकते हो, तो आपके सामने इंसान कोई ज्यादा बड़ा है, उसके साथ आप इखलाक से पेश नहीं आ सकते, उसको इखलाक से अम्मा कहकर पेश करके उससे अपने वो छीन नहीं सकती। इस कहानी का ये मकसद निकलता है, इसका ये मॉरल निकलता है कि अगर हम किसी को जीतना चाहें तो इखलाक और इत्तेफाक से जीते, ना कि लड़ाई झगड़ों से। थैंक यू।